खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा, घुटने और जोड़ एकदम फिट हो जाएंगे इसके एक पत्ते से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रुद्र होम रेमेडीज में। दोस्तों आज हम आपको पान के पत्तों को चूने के साथ इस्तेमाल करने के बारे में बताने वाले हैं। अक्सर हम लोग शुभ काम में, पूजा पाठ में पान के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग शादी में जाते हैं या फिर किसी शुभ अवसर में जाते हैं तो खाना खाने के बाद पान जरूर खिलाया जाता है। पान का पत्ता बहुत ही शुभ माना जाता है और इसी तरह आयुर्वेद में भी पान के पत्ते के साथ चूना खाने के फायदों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। हड्डियों को मजबूत करने, शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, जोड़ों में घुटनों में दर्द को दूर करने के लिए, शरीर में वात दोष को दूर करने के लिए, शरीर में ताकत को बढ़ाने के लिए, थकान कमजोरी को दूर करने के लिए पान के पत्ते और चूने से बेहतरीन दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। पान के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है। जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम है उन्हें भी एक पान का पत्ता जरूर खाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पान के पत्ते खाने का तरीका भी बताएंगे और इसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो से बने रहिए, अंत तक जरूर देखिएगा। और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। पान खाना दोस्तों सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पान में बहुत सारे सुपारी तंबाकू कत्थे वगैरह डालकर खाते हैं जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको वैसा नहीं खाना चाहिए, आपको पान को हेल्दी तरीके से खाना चाहिए तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे। आपको करना क्या है, पान के पत्ते में एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है और इसको चबा चबा कर खा लेना है। इससे आपके पुराने से पुराने हड्डियों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गठिया अर्थराइटिस जैसी बीमारी से छुटकारा मिलेगा क्योंकि चूने के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। यही चूना है जिसे पान में लगाकर खाया जाता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। दोस्तों चाहे पान का पत्ता हो चाहे पान की डंडी हो, सब कुछ बहुत ही उपयोगी होती है। यदि हम पान में एक चुटकी चूना लगाकर खाएंगे ना तो शरीर में कैल्शियम का लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। गांव में तो जब बच्चों के पेट में दर्द होता है तो पान के पत्ते में थोड़ा सा तेल लगाकर सेंकते हैं, हल्का गर्म करके पत्तों से सेकते हैं जिससे बच्चों के पेट में होने वाला जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा पान के पत्ते में सरसों का तेल लगाकर जोड़ों में लगाकर सेकेंगे ना तो जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर मैंने पान का पत्ता लिया है, इसे हम किसी चीज से हल्का सा पीस लेंगे। मैंने इसे पत्थर के लंगड़ी में पीसा हुआ है, देखिए इस तरीके से। और इस पीसे हुए पान के पत्ते के रस को अगर हम किसी फोड़े फुंसी वाली जगह पर लगा दें या फिर दांत खाज खुजली पर लगाते हैं तो दांत खाज खुजली फोड़े फुंसी की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है, मुहासे की परेशानी से दूर हो जाती है। पान का रस या फिर पान का पेस्ट आप पिंपल्स पे भी लगा सकते हैं, चेहरे पे जो टैनिंग हो जाती है, सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे चेहरे पर जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं उसे भी यह पान की पत्तियों का रस दूर करता है। ताजा ताजा पत्तों को आप इस तरह से पीस कर इसका रस लगाइए दोस्तों, लेकिन ताजा ही लगाइएगा तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। पान हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पान खाने से याददाश्त तेज होती है। आप अपने डेली लाइफ में किसी न किसी रूप में पान का प्रयोग जरूर करें, इससे आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारे लोग पान के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला करते हैं जिससे उनका गला जो बैठा होता है वह ठीक हो जाता है, मुंह से आ रही बदबू दूर होती है, मुंह के छाले तक दूर हो जाते हैं, अगर मसूड़ों में सूजन है तो वो भी दूर हो जाती है और दांतों में मजबूती आती है, दांत के कीड़े भी निकल आते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर सफ़ेद हो रहे हैं, बालों के झड़ने को रोकने के लिए पान के पत्तों का इस्तेमाल कैसे करना है आइए जानते हैं। इसके लिए हमने एक पान के पत्ते को काट लिया है। दोस्तों गैस को हम ऑन कर देंगे, साथ ही इसमें हम एक पैन को चढ़ा लेंगे। अब इसमें हम सरसों का तेल या फिर नारियल तेल, जो भी आपके पास तेल है उसको इसमें इतनी मात्रा में डाल देना है, साथ ही उसमें पान के पत्ते को टुकड़े करके इसमें ऐड कर देना है और इसे हल्के आंच में पकने देना है। देखिए इसे मैंने डाल दिया है और ये पकना शुरू हो गया है। पान के पत्ते को ब्राउन होने तक पकाना है और बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। इसके बाद इस तेल को और पावरफुल बनाने के लिए जब ये पान का पत्ता अच्छे से पकना शुरू हो जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे आधे चम्मच के बराबर कलौंजी के दाने। इतनी मात्रा में मैंने कलौंजी के दाने डाल दिए हैं। कलौंजी का बीज दोस्तों आपको आसपास के मसाले की दुकानों में मिल जाएगा। कलौंजी के बीज भी दोस्तों बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये बालों को झड़ने से टूटने से रोकते हैं, बालों में मजबूती देते हैं। तो इस तरह से इसे पकने दीजिए, लगभग इसे हम 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। आप देख सकते हैं पान के पत्ते का रंग बदल गया है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम एक कटोरी में छान लेंगे। दोस्तों ये जो पान का तेल बनाया है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तेल से आप अपने बालों की मसाज करें,
आप सिर्फ वीक में 2 दिन इस तेल से बालों के मसाज करेंगे ना, तो बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बाल आपके काले घने और मजबूत हो जाएंगे। इस तेल से आप बच्चों की मालिश भी कर सकते हैं। जोड़ों में, घुटनों में दर्द को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। ये शरीर में अकड़न जकड़न से आराम देता है। रात को जब आप सोते हैं, अगर पिंडलियों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तलों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है या फिर जोड़ों में दर्द होता है, तो आप इस तेल से मालिश करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में मस्से और तिल हो गए हैं तो आपको क्या करना है, पान की डंडी से थोड़ा चूना लेना है और इस तरह जहां भी आपके शरीर में मस्सा है उसमें थोड़ा सा लगा लेना है। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, और चूना गीला ही होना चाहिए, है ना, कि ताकि अच्छे से लग जाए। आप पान की डंडी से मस्से पे लगा लीजिएगा चूना को और पान की डंडी को मस्से पे हल्का हल्का सा रगड़िएगा, है ना, और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। दोस्तों, इस तरह आप दिन में 1 या 2 बार जरूर करें, इससे मस्सा आपका झड़ जाएगा और स्किन में कोई दाग धब्बे भी नहीं आएंगे। ये चूना आपको किसी भी पान की दुकान में मिल जाएगा। अगर बच्चों को भूख नहीं लगती है ना, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, तो आप क्या करें, पान के पत्तों को रात को भिगोकर रख दें और सुबह उस पानी को बच्चे को पिला दें। इससे भूख भी बढ़ेगी और पेट में अगर दर्द रहता है तो वो भी दूर हो जाएगा। पान के पत्ते में बहुत से औषधीय गुण होते हैं, बस इसे उपयोग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत से तरीके बता दिए उपयोग करने के, जिससे आप जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द का इलाज कर सकते हो, बालों से संबंधित समस्या है, बाल झड़ रहे हैं, रूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, है ना, तो उसके लिए भी आपको पान के पत्तों का तरीका बता दिया। इसके अलावा चेहरे पर कील मुहासे हैं, दांत खाज खुजली की समस्या हो गई हो, तो इसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पर पान के पत्ते का बहुत अच्छा सा नुस्खा बता दिया है। इसके साथ ही अगर मस्से हो गए हैं तो मस्सों को कैसे निकालना है, इसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो पान के पत्तों का इस तरह से प्रयोग कीजिए और उसके पूरे फायदे उठाइए। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।